लहसुन की मंडी खुलते ही बंपर आवक शुरू हो गई है। किसान अपनी उपज मंडी में नीलामी के लिए पहुंच रहे हैं। क्या भाव चल रहा है, कल क्या भाव था, आज क्या भाव चल रहा है? हमारे साथ इस समय मौजूद है राहुल जी। राहुल जी, क्या भाव चल रहा है आज? क्या आज लहसुन जो है टाइट है, आज 13,700 तक बिका है और 16,000 रुपये में भी दो कट्टे बिके थे, वो हिमाचल लहसुन थी अच्छी क्वालिटी की जो कि 16,000 बिका है और आज कम से कम 5,000 कट्टे की आवक है और आवक तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि भाव जो है अभी सुधार पर है। आपने बताया कि आवक बढ़ रही, क्या कारण है उसका, क्या किसान अपनी फसल निकाल? देखो, इसमें क्या है, आवक बढ़ने का कारण यह है कि जो फसल ख़राब हो चुकी है अब की बार किसान की, तो जो ख़राब फसल है वो ख़राब फसल को किसान जल्दी बेचना चाह रहा है, उसके कारण आवक बढ़ रही है। जो स्टॉक माल है, अच्छा माल है, क्वालिटी का माल है, वो किसानों ने भी अभी रोक रखा है। क्या लगता है आने वाले समय में और भाव बढ़ने की संभावना? देखो, भाव के विषय में भी कुछ कह नहीं सकते, बाजार तेज भी रह सकता है, मंदा भी रह सकता है, लेकिन आने वाला समय ऐसा लगता है कि अच्छा ही होगा। आज का हाईएस्ट भाव क्या रहा है? आज का हाईएस्ट भाव 16,000 है हिमाचल का, बाकी मॉडल भाव जो है 11,000 से 10,000 रहा है और न्यूनतम जो है 4,000 से ऊपर ही बिक रही है। 4,000 से 16,000 तक का भाव आज का मिला है। हमारे साथ राहुल जी थे जिन्होंने बताया कि 4,000 रुपये से 16,000 रुपये तक का भाव हाईएस्ट आज का मंडी में रहा है। हमारे साथ हम कुछ किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी फसल लेके आए? अरे, फसल तो क्या करेगा आदमी, क्या ये कि फसल ठीक है जो चल रहा है। क्या दिक्कत है? दिक्कत आप जो है क्वालिटी के हिसाब से नाम मिलना चाहिए आदमी को। आपकी कौन सी लहसुन है? रियावन। अभी क्या स्थिति, क्या भाव मिल रहा है? भाव तो अभी 7-8,000 रुपये मिल रहा है, कम से कम उम्मीद लेके आए, उम्मीद कम से कम 15,000 रुपये की उम्मीद थी, 15,000 रुपये बिकना। क्या कारण भाव कम? यहाँ व्यापारी भी वो है यार, कैसे भी अब निपटाना है। किसान के पास माल है तब कैसे क्या होगा, कहीं तो जाएगा वो। अभी ये किसान पास है, अब तक निपटा, व्यापारी के उसमें गया तो भाव हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये सुमराखेड़ा खान है, अभी तो 10 बोरी बिकना बाकी है माल, नीलामी होना बाकी है। ये हमारे साथ है सुमरा खेड़ा से किसान जिनकी नीलामी होना बाकी। आप भी फसल लेके आए अपनी, खरीदने आए, अभी क्या स्थिति बन रही है खरीदी में? अगर देखने में लहसुन कैसी क्वालिटी आ रही है? ठीक आ रही है, ठीक बढ़िया। जो आप जैसा खरीद, सभी तरह की आ रही है। ज़्यादातर लहसुन क्या कैसी पसंद करते हैं, मतलब खरीदने के लिए ज़्यादा किसका चलन? जैसी मांग है ऐसी खरीद रहे हैं, जो मांग बाहर तो ये क्वालिटी की लहसुन अभी आ नहीं रही जो चाहो। एक क्वालिटी, हाँ, वन क्वालिटी की नहीं आ रही इसमें। अभी किस तरह की लहसुन आ रही है? जैसे बारीक जैसे आ रही है, बारीक लहसुन, बारीक ज़्यादा आ रही है। उसका भाव भी कम, भाव भी कम है। आवक कैसी है? आवक तो अच्छी है, अच्छी है, लेकिन भाव नहीं मिल रहा। भाव उत्पादन का भाव अच्छा है, भाव तो वो बारीक के हिसाब से अच्छा है, भाव बड़ी लहसुन से उसका तो अच्छा है, बारीक लहसुन के हिसाब से भाव अच्छा। हाँ, पर ये सब, ये भाव भी, ये सब स्टॉक वाले ने बढ़ाया है अभी तो, स्टॉक ही ज़्यादा हो रही है, किसान बहुत ले रहे हैं, आगे क्या होता है देखो। किसान खुद स्टोर कर रहे हैं इस बार, ज़्यादा मंडी से ज़्यादा कर रहे हैं। ये देखा आपने, एक नई चीज़ भी निकल के आई है सामने, यहाँ पर किसान खुद यहाँ से मंडी से फसल खरीदते हैं और स्टोरेज कर रहे हैं ताकि जब भाव बढ़ेगा तब किसान अपनी फसल को नीलाम करने के लिए मंडी में पहुँचेंगे। हालाँकि आज सबसे ज़्यादा भाव 16,000 रुपये तक गया है मंडी में। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए उज्जैन से गगन सिंह की रिपोर्ट।